हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्वाद का खजाना। आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, सूजी के अप्पे और वो भी आलू के स्टफिंग के साथ। और साथ ही मैं बनाऊंगी साउथ इंडियन स्टाइल से कोकोनट चटनी। सूजी की वजह से ये अप्पे बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं। तो चलिए फटाफट बनाते हैं इंस्टेंट और इजी स्टफ्ड अप्पे। तो सबसे पहले बाउल में लेंगे एक कप सूजी, जो हम उपमा और हलवा बनाने के लिए लेते हैं वही। फिर डालेंगे आधा कप दही, दही हमें रूम टेम्परेचर पे ही लेना है। फिर डालेंगे एक छोटी चम्मच नमक, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही में डालेंगे आधा इंच बारीक कटा हुआ अदरक। फिर हम डालेंगे एक चौथाई कप जितना पानी, मिला लेंगे अच्छे से। फ्लफी अप्पे बनाने के लिए सूजी को अच्छे से फुलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो रेसिपी है वो आप सूजी की जगह पे डोसा के बैटर के साथ भी बना सकते हैं। फिर से एक चौथाई कप जितना पानी डालेंगे। तो एक कप सूजी के लिए आपको आधा कप दही और आधा कप जितना पानी डालना होगा। फिर से मिला लेंगे और अच्छे से व्हिप कर लेंगे। जितना अच्छे से व्हिप होगा उतने ही फ्लफी और सॉफ्ट अप्पे बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए हमारा बैटर है वो फ्लफी हो गया है। अब हम इसे कवर करके आधे घंटे के लिए साइड पे रख लेंगे और चलते हैं आलू के स्टफिंग बनाने की ओर। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। अब हम इसे मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। ये देखिए आलू अच्छे से मैश हो गया है। तो अब हम स्टफिंग बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पे 1.5 बड़ी चम्मच इतना तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 7-8 कटा हुआ करी पत्ता। सबको मिला के हल्का सा भून लेंगे। अब हम प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके लिया है। अब गैस की फ्लेम मीडियम करके प्याज को बीच बीच में चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। नमक ध्यान से डालें क्योंकि हमने बैटर में भी नमक डाला था। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। फिर सारे मसाले को मिला देंगे अच्छे से। ध्यान रहे गैस की फ्लेम लो ही रखें, वरना मसाले जल भी सकते हैं। अब बारी आती है आलू की। तो हमने जो आलू मैश करके रखे थे वो डाल देंगे। आप यहाँ पे आलू के साथ बॉईल किए हुए मटर भी डाल सकते हैं। अब सारे मसाले को आलू के साथ अच्छे से मिला लेंगे। आलू को बॉईल करके लिया है इसलिए इसको ज्यादा नहीं पकाना है। लास्ट में डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, उसे भी मिला लेंगे। अब धनिया पत्ता के साथ फुदीना भी यूज कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हमारा स्टफिंग रेडी है। तो गैस ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख लेंगे और चलते हैं कोकोनट चटनी बनाने के लिए। कोकोनट चटनी के लिए हम लेंगे फ्रेश कोकोनट। तो इसका छिलका निकाल के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फिर ये है फ्रेश नारियल पानी, इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और 1/3 कप जितना धनिया पत्ता, साथ ही में ये है 3 कटी हुई हरी मिर्च, 7-8 करी पत्ता, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 बड़ी चम्मच भुना हुआ चना और 1/2 छोटी चम्मच नमक। अब हम लेंगे छोटा वाला ग्राइंडिंग जार, उसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप जितना कोकोनट यूज़ किया है। आप बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार यूज़ ना करें क्योंकि उसमें नारियल के टुकड़े अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पे सूखा वाला नारियल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सादा गर्म पानी डालें, जिससे चटनी अच्छे से बनेगी। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस चटनी अच्छे से पीस जाए उतना ही डालना है। अब जार का ढक्कन बंद करके सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए चटनी पीसकर बिल्कुल तैयार है। हमें इस तरह की स्मूथ पेस्ट बनानी है। और फिर चलते हैं चटनी का तड़का बनाने के लिए।
तो उसके लिए गैस ऑन करके तड़का पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। तेल के गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच उड़द दाल, एक छोटी चम्मच सरसों के दाने। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करके डालेंगे तीन सूखी लाल मिर्च, एक चौथाई छोटी चम्मच हींग। सूखी लाल मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इसे हल्का सा क्रिस्प करना है। फिर डालेंगे करी पत्ता और फिर गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे। अब ये जो गर्मा गर्म तड़का है वो हम चटनी पे डाल देंगे, मिला लेंगे इसे। ये जो कोकोनट चटनी है वो कोई भी साउथ इंडियन डिश के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अब चटनी बनके तैयार है, तो चलते हैं अप्पे बनाने के लिए। हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से छोटी साइज का बॉल बना लेंगे इस तरह से और हल्का सा प्रेस कर लेंगे और प्लेट में रख लेंगे। आप बॉल की साइज अपने अप्पे मोल्ड के हिसाब से बनाएं, ज्यादा बड़ी साइज के बॉल्स नहीं बनाने हैं, नहीं तो अप्पे बनाने में दिक्कत होगी। अब इसी तरह से सारी स्टफिंग बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। इतने मेजरमेंट के साथ आप एग्जैक्टली 24 अप्पे बना सकते हैं। अब चलते हैं बैटर की ओर, तो बैटर को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सूजी पानी पी के अच्छे से फूल गई है। ये बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 2-3 चम्मच इतना पानी ऐड करूंगी। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब हम इसमें एक छोटी चम्मच इनो डाल देंगे और अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिला लेंगे। इनो डालने के बाद अप्पे तुरंत बनाए, अगर देर करेंगे तो इनो की इफेक्ट खत्म हो जाएगी और आपके अप्पे फ्लफी नहीं बनेंगे। अब हम गैस ऑन करके अप्पे पैन को लो फ्लेम पे गरम करेंगे। पैन के हल्का सा गरम होने के बाद उसके मोल्ड में थोड़ा सा तेल डाल के सारे मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। अप्पे में तेल बहुत ही कम यूज होता है, इसलिए ये बिल्कुल हेल्दी भी है। फिर हम सारे मोल्ड में थोड़े थोड़े सरसों के दाने डाल देंगे। फिर डालेंगे एक एक करी पत्ता। करी पत्ता बिल्कुल ऑप्शनल है, पर करी पत्ते से अप्पे लुक वाइज और टेस्ट वाइज अच्छे बन के तैयार होंगे। अब हम सारे मोल्ड में पहले एक छोटी चम्मच जितना बैटर डाल देंगे। मोल्ड को पूरा नहीं भरना है, आधा ही भरना है। इस टाइम पे आपको गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, बहुत तेज आंच पे बिल्कुल नहीं रखना है। अब हम इसमें जो आलू के बॉल्स बना के रखे थे वो रख लेंगे, उसे हल्का सा दबा लेंगे और फिर उसके ऊपर एक छोटी चम्मच जितना बैटर डाल के इसे कवर कर लेंगे। अब अप्पे पैन को कवर करके 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। 3-4 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे, सारे अप्पे के ऊपर की साइड पे तेल लगा लेंगे। आप देख सकते हैं अप्पे अच्छे से फूल गए हैं। गैस के फ्लेम मीडियम ही रखनी है, वरना अप्पे है वो जल जाएंगे। अब अप्पे को पलट के देख लेंगे, तो अप्पे नीचे से अच्छे से ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं। तो सारे अप्पे को चम्मच से इस तरह से पलट लेंगे और फिर इसे ढक के और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे, तो ये देखिए अप्पे दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होके तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये गर्मा गर्म बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसी तरह बाकी के अप्पे भी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने अप्पे को कोकोनट चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे ग्रीन चटनी या टमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। ये सूजी के अप्पे है, इसलिए बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो आप इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें। आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के टिफिन में भी बना के दे सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।